तो हमने यहाँ से टिकट ले लिया है तिरुपति जाने के लिए, 160 रुपये पड़ा है अप एंड डाउन। और बच्चे लोगों का है, जो बच्चे लोगों का टिकट का रेट है 50 रुपया अप एंड डाउन। ये बस है, बस स्टैंड है, यहाँ से बस स्टैंड छूटती है। तो ठीक इसका ऑपोजिट ही है तिरुपति का रेलवे स्टेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इतनी भीड़ है तो बस दूर चल रही है, तो कुछ रेलवे स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो पूरा रेलवे स्टेशन का यही है, तो रेलवे स्टेशन का पास ही आपको आके टिकट लेना है। तो हमारी बस निकल चुकी है तिरुमला जाने के लिए। तो बस बहुत ही भीड़ है, तो हमें सीट तो मिल गई बैठने के लिए। तो अभी हम लोग तिरुमला जाने के लिए निकल चुके हैं। ये है तिरुमला जाने का चेक पॉइंट। तो यहाँ पर जितने भी यात्री हैं, जो प्राइवेट कार से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं या किसी भी मार्ग से आ रहे हैं, तो उन्हें यहाँ पर रुक के अपना बैग चेक करना पड़ेगा, चेकिंग करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको आगे जाने का परमिशन मिलेगा आपको यहाँ से। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, देखिए ये हमारा बैग मशीन में डाल दिया, जो चेकिंग करने वाले मशीन में डाल दी। बाहर देखिए, बाहर निकल गई अपने बैग। तो बहुत ही भीड़ है यहाँ पर। हमें फिर से यहाँ से बस चढ़ना पड़ेगा, और सेम बस आपको आगे मिल जाएगी, जब चेकिंग करके आओगे उसी में चढ़ना पड़ेगा हमें। तो हम तिरुमला पहुँच चुके हैं, हमारे पास टाइम का बहुत कमी था, तो बहुत ही हड़बड़ी में हम लोग आए हैं यहाँ पर। जाते साथ ही हमें जाना है मुंडन कर लिए। देखिए ये मुंडन का टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और ये है वो जगह जहाँ पर सबका मुंडन किया जाता है, बालों को दान दिया जाता है भगवान बालाजी को। तो हमारा दर्शन हो चुका है, तो बाहर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। देखिए ये बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पर। आप कोई भी मंदिर में चल जाइए, आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पर भीड़ है। मतलब मानो कि एक शहर ही बस चुका है यहाँ पर, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। हम लोग का दर्शन करने के लिए मात्र आधे घंटे का टाइम लगा था। हमने 300 रुपये का टिकट लिए थे, ऑनलाइन बुकिंग किया था, लेकिन आधे घंटे के अंदर हमारा दर्शन हो चुका है। प्रसाद यानी आरओ वाटर और पीने का पानी नल से बंद करके तो ये है लड्डू प्रसाद का काउंटर। एक टिकट के पीछे एक लड्डू फ्री मिलेगा, और आपको पर लड्डू के पीछे 50 रुपये देने पड़ेंगे। एक आदमी के लिए 4 लड्डू ही दिया जाएगा। ये है देखिए, पूरे काउंटर 50-60 काउंटर्स तो है ही हैं लड्डू कलेक्ट के लिए। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर लड्डू कलेक्ट करने के लिए। बहुत ही अच्छी सुविधाएँ अभी हैं।
तो आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है। कहा जाता है कि उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर वो तैनात रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर है हनुमान जी का, लेकिन विष्णु के अवतार नहीं है हनुमान जी का मंदिर। लक्ष्मी नाम राम भैया टाइम लेगा फिट को लक्ष्मी। तो ये रहा हमारा टिफिन सेंटर, जहाँ हमने टिफिन कर लिया है। ये हनी रेडी है, हनी चलो। तो ये रही हमारी कार, तो इस कार से ही हम लोग घूमने जाने वाले हैं। पूरा 6 टेम्पल घुमाएंगे ये लोग मुझे। 6 टेम्पल हमारा पड़ रहा है 1500 रुपये का। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ मैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको सेकेंड पार्ट में मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट वीडियो तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको भी दिक्कत होगी देखने में। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें आपको दिखाएंगे उन 5 मंदिर जहाँ जहाँ हमने विज़िट किया था, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था। वो 5 मंदिर मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ तक देखा तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए गोविंदा गोविंदा बोल के वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।